क्षेत्र की खुशहाली सुख समृद्धि की कामना को लेकर लगातार 15वें वर्ष गुरुवार को मेनगांव पिपराटा से साइकिल यात्रियों का जत्था श्री सांवरिया जी दर्शन के लिए रवाना हुआ। इस वर्ष यात्रा में करीब 690 युवा शामिल हुए। इस जत्थे को ग्रामीणों ने मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए धूमधाम से गांव के बाहर तक पहुंचाकर रवानगी दी। 425 किलोमीटर की यह यात्रा 4 दिन में पूरी करेंगे। यात्रियों को ग्रामीणों ने चल समारोह के रूप में रवानगी दी। सुबह गांव के दुर्गा माता मंदिर में यात्री एवं ग्रामीण जन एकत्रित हुए। यहां पूजन अर्चन के बाद जयकारों के साथ यात्री गंतव्य को रवाना हुए। महिलाओं ने भजन कीर्तन भी किए। विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने भी शामिल होकर यात्रा मंगलमय होने की कामना करते हुए जत्थे को रवानगी दी। ग्रामीणों ने बताया 2007 में ग्राम के छोटू नाम का युवक जिले से 425 किलोमीटर दूर सांवरिया जी की यात्रा पर गया था। इसके बाद हर साल साइकिल यात्रियों की संख्या बढ़ती गई और देश प्रदेश जिले और गांव की खुशहाली शांति के साथ ही महामारी से निजात की कामना को लेकर यात्रा अनवरत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ये सांवरिया सत्य मित्र मंडल पिपराटा मेनगांव के द्वारा विगत 18 वर्षों से यात्रा चालू हो रही है। सबसे पहले 2007 में मेरे साथ में जो खड़े हैं छोटू भाई कुशवा, ये अकेले गए थे और ये जा रुके वहाँ वहाँ यात्रा अभी भी विश्राम करती है। करीब यहाँ से सांवरिया जी का मंदिर राजस्थान में 425 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर डेली हम लोग साइकिल चलाते हैं। हमारे साथ में भोजन प्रसादी का सामग्री, साइकिल की दुकानें और मोटरसाइकिल पिकअप आईसर सब साथ में चलते हैं। और आते समय हम सब यात्री हमारी जो साइकिलें हैं उसको आईसर में रख के लाएंगे और 12 बस हमने किए जो 12 बसें बैठ करके आएंगे। ये यात्रा कितने दिन में पूरी है? ये 4 दिनों में चलो। अभी कितने यात्री हैं? अभी 690 यात्री हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? नाथूलाल पाटीदार। ये श्री सांवरिया मित्र मंडल के द्वारा आयोजित यात्रा प्रति लगभग 18 वर्षों से प्रतिवर्ष यहाँ से पिपराटा से ये यात्रा पहुँचती है सांवरिया। तो लगभग इसमें प्रतिवर्ष जो यात्री हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये सब साइकिल यात्रा होती है, ये साइकिल से जाते हैं और बीच बीच में भजन कीर्तन सब चलते रहते हैं। तो ये यात्रा मतलब ये कुल मिलाकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनका आशीर्वाद ये हमेशा जनता को प्राप्त होता रहे, इस क्षेत्र में भी ईश्वर की कृपा बनी रहे, इस भाव को लेकर के यात्री प्रतिवर्ष जाते हैं और निर्विघ्न रूप से यात्रा संपन्न होती है। 18 वर्ष है, मैं यहाँ इनको शुभकामनाएं देने आया हूँ कि ईश्वर इनकी मनोकामना पूर्ण करे और पूरे क्षेत्र में शांति और सुख वैभव बना रहे, ये सब पर ईश्वर की कृपा हो, ये यात्रा निर्विघ्न और आनंद पूर्वक संपन्न हो, ऐसी मेरी इनको सबको शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।